नीट एग्जाम के दिन किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो इसके लिए, जिस जिस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है या फिर जिस भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है दिमाग में क्लियरली होना चाहिए ताकि उस दिन किसी तरह से पैनिक नहीं हो। सबसे पहला बात याद रखना है कि जो फॉर्म फिल करते समय जो भी आपने आईडी प्रूफ यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आधार कार्ड यूज़ किया तो आधार कार्ड साथ में रखना है एज एन आईडी प्रूफ। साथ ही साथ जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा तो उसके दो कॉपी को निकालना है, इनकेस मान लो एक खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, दूसरा कॉपी रहना चाहिए। प्रिंट आउट आप कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी निकलवा सकते हो, दोनों का दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर आप पानी की बोतल ले जाना चाहते हो तो ऐसा तो है कि सेंटर पे जहाँ आपका एग्जाम होगा प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप पानी की बोतल ले जा सकते हो। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डिजाइनर एकदम इधर उधर का पूरा चमकीला बोतल नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा जो पानी का बोतल होता है ना बिस्लेरी का वो होना चाहिए, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा रहता है उसे हटा देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जनरली जो एग्जाम होता है उसमें आपका पेन और पेंसिल जो भी जो प्रोवाइड कराया जाता है पेन वो एनटीए की तरफ से कराया जाता है, लेकिन इन केस मान लो उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप सेफ्टी के तौर पर एक बॉल पेन रख सकते हो, ब्लैक या ब्लू रख सकते हो, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, वो उधर से प्रोवाइड कराया जाएगा आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप टाइम पे रखें, अपने साथ में रखें ताकि जो आपका एंट्री हो उसमें किसी तरह का डिले नहीं हो, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप टाइम से पहुँच सके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल।